अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो माय डियर चिल्ड्रन, टुडे आई टीच यू हिंदी, एंड इन हिंदी वी विल प्रैक्टिस द रीडिंग ऑफ चैप्टर सबसे अच्छा पेड़। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, नाउ लिसन केयरफुली। सबसे अच्छा पेड़ तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी, छांव शेड। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। केले का पत्ता इतना बड़ा होता है कि वो अम्ब्रेला भी बन जाता है। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भर पेट खाना खाया। केले के पत्ते को हम प्लेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा? बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे। केले कच्चे होते हैं तो उनकी सब्जी भी बनती है। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बहुत लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर, नारियल की जटाएं साफ हो गईं। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव। तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पका कर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता।
रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयां भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। अब देखिए, नारियल का पेड़ किस काम आता है? चटाइयां और रस्सियां बनाने में। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पैर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। कुटिया घर। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब आप बताइए कि आपके लिए सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है। और इस लेखक कौन है इस कहानी का? भारतदास। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट सबसे अच्छा पेड़। तो आज हमने पढ़ी कहानी सबसे अच्छा पेड़। लेकिन इसमें तो ये बताया गया है कि हर पेड़ के अपने अलग अलग फायदे होते हैं। सो स्टूडेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस द रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। जज़ाकअल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।